वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल एक लव एकेडमी कास्ट, द प्लेटफॉर्म एनालाइजिंग रील्स। मैंने आपको चैनल पे पहले ही बताया था कि हम एक यूपी टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के 25 प्रैक्टिस सेट्स लगाने वाले हैं, जिसमें हम सेकेंड सेट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, आप जब भी पूरी प्लेलिस्ट में जाके कभी भी पूरे सेट देख सकते हैं। तो मैं इस पे जो नंबरिंग है वो 1, 2, 3, 4 ये मेंशन कर दूंगी। 25 प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आप बस इन प्रैक्टिस सेट्स को 23 तारीख के एग्जाम से पहले 25 के 25 लगा लीजिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे, क्योंकि देखिए 25 प्रैक्टिस सेट्स में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगी, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। उसमें जितने ऑप्शंस हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारा एक जितना पूरा जितना भी थीम हमने पढ़ी है, जितना भी इंग्लिश में टॉपिक्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे हमारे इतने प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड अपनी आज की प्रैक्टिस सेट। आज का क्या, देखिए मैं 25 जो है वो बहुत ही जल्द हम 5-6 दिन में ही 25 सेट्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद केवल आप उसे रिवाइज करते रहिए, देख लीजिए 2-3 बार, बस आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला सवाल आज का आपके सामने है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पोर्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड चूज नो इम्प्रूवमेंट। यानी आपको दे वर वेटिंग फॉर देयर लक सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हमें देखिए ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं कि हमें ये इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यानी ग्रामर का सवाल है ये, है ना। हमारे सेंटेंस से हो गया कि जो हेड है, हेड बीन आर या नो इम्प्रूवमेंट, क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो आप जरा थोड़ा सा सोचिए और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, दे वर वेटिंग फॉर देयर लक सिंस लास्ट ईयर। तो देखिए यहाँ पे सिंस आया है, और सिंस और फॉर जो होता है वो हम सबको पता है ये किसके लिए आता है। सिंस और फॉर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, तो उसमें आता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, यानी कि जिसमें आपको क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन प्लस सिंस और फॉर, जहां पे टाइम आता है। तो वर ना आके वहां पे क्या लगना चाहिए। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हेड वाला ऑप्शन कट जाएगा, आर वाला कट जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि हमें लगाना ही है हेड बीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हेड बीन वाला। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि सिंस और फॉर के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है, जिसमें हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली हैड बीन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इम्प्रूव द, ये भी सेम सेंटेंस है, मतलब सेम क्वेश्चन का टाइप है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पोर्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड चूज नो इम्प्रूवमेंट, ही हैज नॉट हैव ब्रेकफास्ट येट, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना मैं भूल गई हूं, यहां मैं कर देती हूं ये, ठीक है ना। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें बताइए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ही हैज नॉट हैव ब्रेकफास्ट येट, और आपके पास ऑप्शन हैज नॉट, दूसरा ऑप्शन हैज नॉट हैड, तीसरा ऑप्शन इज नॉट टॉकिंग, और चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए आप एक बार सोचिए अपना और आप बताइए अपना आंसर। आंसर तुरंत सेकंड्स में सोच लीजिए, फिर मैं बताती जाऊंगी आपको कि इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। चलिए देखिए, ही हैज नॉट हैव ब्रेकफास्ट येट, बिल्कुल सही है। ये जो येट होता है, देखिए ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है। येट के 2-3 रूल मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। येट से मैं 3 चीजें बताती हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए येट एक तो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये ठीक हो गई, हमें तो केवल इंप्रूव इसमें करना है। बट तभी मान लीजिए एरर में आता है अगर, तो हम येट से 3 चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, येट वाला जो टेंस है वो परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है ना, परफेक्ट टेंसेस में। और हमेशा ध्यान रखिए, मतलब परफेक्ट में भी प्रेजेंट में यूज होता है, क्योंकि येट का मतलब होता है बोले गए समय तक, कोई भी बात बोले गए समय तक, ठीक है ना। ओके, अब बोले गए समय, अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो आप खुद सोचिए इस बात को कि हम प्रेजेंट तक बात कर रहे होंगे ना, पास्ट में तो नहीं होगा। जैसे मैं बोलूंगा अब तक नहीं आया, तो मैं ये थोड़ा ना बनाऊंगी ही डिड नॉट कम येट, तो डिड तो पास्ट की बात हो गई ना, अब तक नहीं आया, तो इसका बनेगा ही हैज नॉट कम येट। तो ये देखिए, येट की 3 चीजें ध्यान रखनी है। लास्ट में आता है,
प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट में भी ज्यादातर परफेक्ट के साथ आता है, और ये ज्यादातर जो नेगेटिव और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हैज तो ठीक लगा हुआ है, लेकिन अगर हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो ही हैज नॉट हैड ब्रेकफास्ट यट, उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इससे हमारा पूरा यट के जितने भी रूल्स थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए है। इसी तरीके से देखिए, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, हर ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको बताने लायक होगी, वो मैं सारी आपको क्लियर कराती जाऊंगी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है फाइंड द एरर पार्ट, आपको एरर पार्ट बताना है। इट इज नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, और नो एरर। ए बी सी डी, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, और अपना एक बार थोड़ा सा सोचिए और देखिए आप अगर आंसर करोगे इसका तो क्या करोगे। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस हम सबने देखे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, या फिर कंजंक्शंस की बात करें, है ना, ये कनेक्टर्स होते हैं, ठीक। और हमारे में जो एक डिटरमाइनर्स नाम से इस तरीके से चैप्टर दे रखा है, अगर आप देखोगे यूपी टेट के सिलेबस में, तो देखिए बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, कुछ पेयर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सच के साथ एज का यूज किया जाता है ना कि दैट का। तो इतना हो जाएगा, इट इज नॉट सच ए प्रेटी प्लेस, ये उतना अच्छा प्लेस नहीं है जितना आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था तो एज आ जाएगा, दैट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात थी, और इसका इसका मतलब जो ऑप्शन हो गया वो सी ऑप्शन आप टेक करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगला है चूज करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ सेलर्स, यानी कि कलेक्टिव नाउन बताना है ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेलर्स। तो एक बार देखिए ऑप्शंस को, हर्ड, क्रू, कॉन्वॉय, क्लस्टर, तो देखिए और बताइए अपना आंसर। देखते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ सेलर्स, तो ग्रुप ऑफ सेलर्स में आपको इसमें एक लिंक है पीडीएफ का, आप देखोगे उसमें 30 से 35 तक कलेक्टिव नाउन्स होंगे, आप उसको देख सकते हो। अगर वो कर लोगे तो कलेक्टिव नाउन अगर आएगा टॉपिक तो उसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए ग्रुप ऑफ सेलर्स जो है ना तो हर्ड कहलाता है, और सेलर्स का जो होता है वो क्रू कहलाता है, क्रू, ठीक है ना, सेलर्स क्रू। और देखिए हर्ड क्या कहलाता है, जो पशु मवेशी होते हैं ना, कैटल्स का ग्रुप, कैटल का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है, ठीक है ना। कॉन्वॉय क्या होता है, कॉन्वॉय ज्यादातर कारवां होता है, ठीक है ना, कारवां, किसी का भी पीपल का कारवां कहीं जा रहा होता है किसी धार्मिक स्थल पे या कुछ, तो उसे कॉन्वॉय कह देते हैं, ठीक है। और क्लस्टर जो है वो स्टार्स का ग्रुप होता है। तो ये सब हर्ड, क्रू, कॉन्वॉय, और इसका जो आंसर है वो क्रू आ गया। सो फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये चार में से आपको सही सेंटेंस देखना है, टेल ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, स्पीक डार्क द ट्रूथ, और डी ऑप्शन टेल द ट्रूथ। तो बताइए इसमें से चारों में से आपका कौन सा आंसर सही आपको लगता है कि होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए ये आएगा सबसे पहले तो स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ बोलने के लिए, सच बोलने के लिए सच बोलो, ठीक है ना। टेल माने बताना होता है कुछ, देखिए टेल और स्पीक में फर्क होता है। स्पीक का मतलब है, टेल का मतलब है बताओ, बताना, स्पीक का मतलब है बोलो, और सच बोलो, तो सच बोलो पहले तो स्पीक आएगा, और इसके आगे फिक्स है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिंडी ब्लैंक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, ऑप्शन है टू सीइंग, टू सी, टू हैव सीन, फॉर सीइंग, और ये जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप सोच लीजिए आपको करना है तो क्या करोगे आप।
चलिए देखिए, ये एक बहुत ही पूरा रूल जो है उस पर आधारित क्वेश्चन है ग्रामर का। तो इसे देखिए, आप इन्फिनिटिव का रूल मान सकते हैं इसे, और इन्फिनिटिव जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ब के, ठीक है ना। इन्फिनिटिव का रूल है, इन्फिनिटिव का रूल एक इस तरह से होता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड है, ठीक है, एडिक्टेड टू है, जैसे एडिक्टेड है, ठीक है ना, accommodated है, ठीक है ना, addicted हो गया, accommodated हो गया, looking forward हो गया, और devoted हो गया, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे verb हैं जिनके बाद हमेशा to का use होता है, यानी कि जब भी होगा इनके बाद to, जैसे devoted to, looking forward to, addicted to, accommodated to, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी पूरा रूल बहुत अभी चीजें हैं कि मैं पूरा अगर आपको बताने बैठू पूरे वर्ब का यहाँ पे चैप्टर ओपन हो जाएगा, मैं इतना ध्यान नहीं रखना आपको, मैंने बस एक पॉइंट बता दिया, ये तीन चार चीजें हमें ध्यान रखनी है, डिवोटेड टू, ठीक है ना, चाहो तो नोट कर लीजिए, और ये एडिक्टेड टू, एडिक्टेड वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये लुकिंग फॉरवर्ड वाला, ठीक है ना, और ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। इन सब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, टू सीइंग, ठीक है ना, बस आंसर हो गया ए। अगला, वॉकिंग स्टिक इज द कंपाउंड नाउन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर, यानी कि वॉकिंग स्टिक ये जीरंड और नाउन है, इन्फिनेटिव सॉरी इन्फिनेटिव और नाउन है, जीरंड और वर्ब है, या नन, नन ऑफ दीज, ये क्या है, तो आप बताइए इसका आंसर, सोच लीजिए, और चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, वॉकिंग स्टिक, हमें वॉकिंग वर्ब में आईएनजी दो चीजें होती हैं, जीरंड और जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, और पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पार्टिसिपल तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि जीरंड हो गया, और स्टिक माने छड़ी हो गई, किसी वस्तु स्थान या प्राणी के नाम कहने की, द नेम ऑफ पर्सन थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, तो जीरंड हो गया और नाउन हो गया, और जीरंड और नाउन हो गया ए ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, चूज द टाइप ऑफ टेंस, ये आपको बताना है किस तरीके का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको बताना है किस टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए, बाय नेक्स्ट वन शी विल हैव बीन लिविंग, तो ये आ गया विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, तो ये कौन सा होता है, पहले तो फ्यूचर हो गया, और फ्यूचर में भी परफेक्ट हो गया, और ये आईएनजी कॉन्टिन्यूस हो गया, सो डी इज अ करेक्ट आंसर। द कैट रैन आफ्टर द रेट, आफ्टर इज, आपको बताना है यहाँ आफ्टर क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के एक से दो सवाल आपको श्योरली मिलेंगे आपको आपके पेपर में, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लॉज, एक्टिव पैसिव, ये वाले आपको जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, और ये चीजें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वर्ब की फॉर्म्स ये आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। द कैट रैन आफ्टर द रेट, तो देखते हैं यहाँ पे भाई आफ्टर, तो देखिए एडवर्ब नहीं है बिल्कुल, कंजंक्शन नहीं, जोड़ने का काम नहीं कर रहा, देखिए यहाँ जोड़ने का काम नहीं कर रहा, कैट रैन आफ्टर द रेट, किसके पीछे भागा, चूहे के पीछे, ठीक है ना, बिल्ली, तो ये केवल क्या कर रही है, रिलेशन बता रही है, ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन है, आफ्टर बिफोर, कई जगह आफ्टर और बिफोर देखिए दोनों ही होते हैं, प्रीपोजिशन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं, लेकिन कंजंक्शन में वो किसी क्लॉज को जोड़ रहे होते,
ठीक है ना। और यहाँ पे क्लॉज दो नहीं है, एक ही क्लॉज है क्योंकि वर्ब एक है, तो ये केवल प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इज वर्ब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब, नाउन या प्रोनाउन। यानी पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए पार्टिसिपल की डेफिनेशन ये होती है, पार्टिसिपल इज ए वर्ब एडजेक्टिव, यानी कि वो वर्ब तो होता होता है पार्टिसिपल जीरंड और पार्टिसिपल जीरंड और इन्फिनेटिव, ठीक है, ये वर्ब की ही फॉर्म्स है। लेकिन जो पार्टिसिपल होते हैं ये किसके रोल करते हैं? एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि देखिए पार्टिसिपल, अगर मैंने बोल दिया अ शॉक्ड मैन, तो यहाँ पे जो शॉक्ड हुआ ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और काम किसका कर रहा है? मैन की विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड, सिंगर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? फिर से ये वही चैप्टर आ गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रीगेशन, कॉर्स, विवाह और कैरावन, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? तो देखिए अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो सिंगर्स के ग्रुप को कॉयल, ये CHOIR, ठीक है। देखिए मैं आपको चारों के बारे में बता देती हूं। कॉन्ग्रीगेशन होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर फॉर अ स्पिरिचुअल रीजन, यानी कि एक तरीके से भजन मंडली कह सकते हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन भजन मंडली हो गया, ठीक है ना, किसी आध्यात्मिक विषय पर मिले हुए लोग, ठीक। विवाह होता है अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ठीक है ना, वेमेन और गर्ल्स का बोल सकते हैं हम, यंग गर्ल्स और उसका, ठीक है, तो विवाह होता है। और कैरावन, ये तो अभी अभी हमने फिर से आया था, ये कारवा होता है, ठीक है ना, यानी कि एक एक जो लोग हैं वो ग्रुप है जो ट्रेवलिंग पे निकला हुआ है, ठीक है ना, वो कारवा हो जाता है, कैरावन। और कॉन्ग्रीगेशन हो गया, ओ सॉरी, सिंगर्स का ग्रुप हो गया क्वायर, ठीक है ना। अगला, प्लूलर ऑफ चीफ, चीफ का प्लूलर क्या होगा? चीफ्स, चीव्स, चीफ या नन ऑफ दीज? चलिए देखते हैं, देखिए चीफ का जो प्लूलर होता है वो चीफ्स होता है, ठीक है ना, चीफ्स नहीं होता और चीफ नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनिन ऑफ अर्ल, अर्ल का फेमिनिन क्या होगा? बूज, अर्ली, काउंटेस, मेड। तो आप एक बार देखिए, ये आपको 100% कोई ना कोई एक जेंडर जरूर मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा अर्ल का। ठीक है, अर्ल माने नॉर्मल राजा होता है, ठीक है, और अर्ल की जो फेमिनिन होता है वो काउंटेस होता है, रानी, ठीक है ना। अर्ली, ये तो बिल्कुल ही जल्दी हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। मेड, मेड भी नहीं हुआ, ठीक, इसका जो, और गूज, गूज जो होता है वो गीज यानी हंस होता है, गूज वाने और गीज इसका जो होता है वो फेमिनिन होता है और ये एक मस्कुलिन है, ठीक है ना। तो गूज, गीज, अर्ली तो कुछ हुआ ही नहीं, मेड भी नहीं हुआ, काउंटेस हो गया रानी, और वो होता है अल राजा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उट द प्लूलर नाउन, आप देख सकते हो, आई थिंक मैंने गूज वाने क्या बोल दिया था, हंस, बतक होती है, ठीक है ना, गलती से हंस बोल गई थी, बतक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं,
और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा याद आ रहा है होता ये हंस भी है, कंफर्म कर लेना एक बार, बतख और हंस में से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ दोनों में से क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला, पिक आउट द प्लूलर नाउन, डिक्टम बैक्टीरियम डेटा, डेटम और डेटा, इसमें से प्लूलर क्या है। चलिए देखते हैं, देखिए डिक्टम जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, बैक्टीरियम भी बैक्टीरिया का सिंगुलर है, डेटम भी डेटा का सिंगुलर है, और डेटा जो है वो प्लूलर होता है। तो डेटा देखिए कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूलर होते हैं जो फ्रेंच, ठीक है, कोई अलग भाषा से लिए गए हैं, है ना, कोई इटालियन कोई फ्रेंच, अलग अलग टाइप के, और ज्यादातर कुछ में यूएम लगा होता है कुछ में ओएन लगा होता है सिंगुलर में, और प्लूलर में किसी किसी में बीच में ई आ जाता है। जैसे कि अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस हो जाता है ना, बेसिस की बात करें तो ये बेसिस हो जाता है, और अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे तो ज्यादातर ओएन वाले, जैसे क्राइटेरियन, ओएन वाले जो होंगे वो सिंगुलर होंगे और क्राइटेरिया वाले आ वाले प्लूलर होंगे, यानी कि ये सिंगुलर होंगे और ये प्लूलर होते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से यूएम वाले जितने भी होंगे, जैसे कि आप ऊपर देख ही रहे हो बैक्टीरियम डेटम, ये सब सिंगुलर होंगे और आ वाले प्लूलर होंगे। तो आप थोड़ा सा एक सिनेरियो बना के माइंड में ध्यान रख सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मस्कुलिन ऑफ विच, विच का मस्कुलिन क्या होता है, विच मस्कुलिन, विच एक फेमिनिन हो गया और उसका मस्कुलिन बताइए। तो देखिए विडो नहीं होता, ठीक है ना, विडो वाला तो विधवा, यानी कि हुज हस्बैंड इज नॉट लाइव, और विजार्ड डेम और वाइज, बिल्कुल ठीक है इसका विजार्ड, ठीक है ना, विजार्ड वाने जादूगर और विज वाने जादूगरनी, तो विजार्ड और विच एक दूसरे के मास्कुलिन और फेमिनिन है, ठीक है ना, विजार्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है ये वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हेन टू और मोर सिंपल वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर दे मेक, जब दो और अधिक शब्दों को मिला दिया जाता है एक शब्द बना दिया जाता है, क्या बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स, प्राइमरी वर्ड्स, जंबल वर्ड्स, नन, तो जल्दी से देखिए। देखिए कंपाउंड वर्ड इजी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया मोटरसाइकिल, व्हाट इज दिस, एक वर्ड मोटर एक साइकिल, ये कंपाउंड वर्ड कहलाएगा, ठीक है ना, बेडरूम एक वर्ड बेड एक रूम, ये कंपाउंड वर्ड कहलाएगा, दीज आर कंपाउंड वर्ड। अगला सवाल, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस द थीव वॉज कॉट, हमें ये पैसिव वॉइस दे रखा है, हमें इसका एक्टिव फॉर्म चूज करनी है, ठीक है, द पुलिसमैन कॉट द थीव, द पुलिसमैन हैज कॉट द थीव, द पुलिसमैन हैड कॉट द थीफ, द पुलिसमैन मे हैव कॉट द थीफ। तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें वर्ब के चेंजेस पता होने चाहिए अच्छे से, वर्ब के चेंजेस पता होंगे तो लगभग हम फिर क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर्स कर देते हैं। तो देखिए वॉज और थर्ड फॉर्म कब आती है, जब हम पास्ट इंडेफिनेट को बदलते हैं तब, पास्ट इंडेफिनेट को बदलते हैं तब, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनेट इसमें से कौन सा है, ना तो ये बी है ना ये है और ना ये है, केवल ए वाला है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। अब आप सोचेंगे यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप सोचोगे कि पुलिसमैन तो दिया ही नहीं था, तो एक रूल होता है एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम कि बहुत बार जो सब्जेक्ट होता है वो, देखिए हम सबको पता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करता है, गॉट इट, क्लियर है। तो कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत अंडरस्टूड होते हैं, जिनको हमें बाद में बाई के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, अगर चोर पकड़ा गया है तो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया होगा, अगर पीएम इलेक्ट हुए हैं तो पीपल के द्वारा हुए होंगे, ठीक है ना, अगर किसी गरीब की मदद की जा रही है तो एक पर्सन नॉर्मल सबके बारे में बात होगी कि नोबडी या समबडी, इनको हमें बाद में जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, है ना, उसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है तो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा, तो बाई टीचर बाद में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव में हमें वो सब्जेक्ट चाहिए,
तो सब्जेक्ट चाहिए तो हम अपने आप अंडरस्टूड वे में, और हमें तो वैसे भी लिखित नहीं केवल ऑब्जेक्टिव देखना है, तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास यहाँ है ही पुलिसमैन सब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, व्हिच वन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वुंड, वुंड की, ठीक है, व्हिच वन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वुंड, वुंड की सेकंड फॉर्म क्या है, तो देखिए वुंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वुंडेड, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब की वो आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, बाकी जितने भी पीडीएफ्स और ये इस पे चैनल पे वीडियोस हैं आप केवल इनको देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जितने भी वीडियो वो जितने भी पीडीएफ्स हैं वो शेयर आपको मिल जाएंगे और ये सारी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपको अदरवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला सवाल है चूज द करेक्ट वर्ड, हमें इसमें से करेक्ट वर्ड चुनना है, इनिंग्स कैटल्स ऑफ स्प्रिंग पोएट्रीज, इसमें से कौन सा वर्ड सही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये कैटल्स कुछ नहीं होता, कैटल ऑलरेडी प्लूलर वर्ड है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, और पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आई एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम इनिंग्स में देखा जाए तो देखिए इनिंग तो इनिंग्स ही होता है, आइदर यूज इन सिंगुलर और प्लूलर, तो इनिंग्स ही यूज होता है, इसी तरीके से ऑफस्प्रिंग जो है चाहे इसे सिंगुलर में यूज करिए या प्लूलर में यूज करिए, वर्ड जो रहता है ऑफस्प्रिंग, तो देखा जाए तो दोनों इसके ए और सी सही है, यानी लिखते टाइम मुझसे ही कुछ मिस्टेक हुई है, इसमें से ए या सी में से एक ऑप्शन में मुझे या तो इसमें से एस हटाना था या इसमें एस लगाना था, तब एक सही होता, मान लीजिए इसमें एस नहीं है, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा ऑफस्प्रिंग, ठीक है। चलिए और 2020 क्वेश्चन के हम सारे सेट लगा रहे हैं, एक सेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अगला सेट ये है, तो 20वां सवाल है ये, फिर उसके बाद हम थर्ड सेट लगाएंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चुननी है, देखिए एक बार सारी स्पेलिंग्स को, देखिए देखते हैं कि कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है, तो कोलाबोरेट इसकी पहली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है ना, देखिए कोलाबोरेट बिल्कुल सही है, कोलाबोरेशन करना, किसी से सामंजस्य स्थापित करना, देखिए कॉमरेड की स्पेलिंग जो होती है सी ओ डबल एम ई एम ओ आर ए टी ई, किसी पुरानी याद को ताजा करना, ठीक है ना, तो इसकी स्पेलिंग, और ये कोलेट सी ओ डबल एल ए टी ई, ठीक है ना, कोलेट माने होता है किसी चीज की जांच करना, और चॉकलेट की स्पेलिंग हम सब जानते हैं सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई, चॉकलेट माने तो चॉकलेट होती ही है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, हम अगले प्रैक्टिस सेट को जल्दी लगाएंगे और इस तरीके से हम 25 प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ आपका पूरा रिवीजन जो यूपी टेट के एग्जाम के लिए वो सफिशियंट हो सकेगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे सभी वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करते रहिए, और अपना ध्यान रखिए विशेष, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है उस हिसाब से आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और अगर इंग्लिश में आपको किसी भी तरीके का कोई भी लगता है कि कहीं पे आप चूक कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, आप कैसे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको डाउट, आपका कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करने का अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।